हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि रोमन रेंस हो चुके थे कोविड पॉजिटिव, जिसकी वजह से वो हमें डे वन के पेपर व्यू में देखने को नहीं मिले थे, बट अब फाइनली वो रिकवर हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि WWE इस वीक के स्मैकडाउन के लिए रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर दोनों को कर रही है एडवर्टाइज। और आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि क्या कुछ होगा जब हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा रोमन रेंस का रिटर्न। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ सेथ रॉलिंस के WWE चैंपियन बनने के बारे में। इसके अलावा ब्रॉक लेसनर क्या बन चुके हैं अब एक फुल टाइमर। तो गाइस, सबसे पहले हम ब्रॉक लेसनर से जुड़ी अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। देन आप सबको पता ही है, पहले जो हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिलते थे वो काफी कम देखने को मिलते थे, यानी कि वो एक या दो रॉक एपिसोड में देखने को मिलते थे किसी पेपर व्यू से पहले, एंड हमें पेपर व्यू भी वो कई बार मिस करते हुए दिख जाते थे। लेकिन अगर आप सब नोटिस करोगे, देन सस्पेंड होने के बाद जब से ब्रॉक लेसनर वापस आए, वो लगातार हमें 3 स्मैकडाउन में देखने को मिले। उसके बाद ये टेप्ड एंड क्रिसमस एडिशन वाली थिंग आ गई, जिसकी वजह से हमें वहां पर ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिले, बट डे वन पेपर व्यू में वो हमें देखने को मिले, साथ ही साथ उसके बाद वाली रॉ में देखने को मिले, एंड इस वीक के स्मैकडाउन में भी देखने को मिलने वाले। और गाइस, आप सबको बता दूं, नेक्स्ट वीक का रॉ जहां पर होने वाला, यानी कि वेल्स फार्गो सेंटर, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है हमारे न्यू WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर होने वाले लाइव नेक्स्ट वीक के रॉ में। सो देख सकते हो गाइस, आप सब ब्रॉक लेसनर कितने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। एक तरह से वो अभी फुल टाइमर की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि WWE ने बजट कट इसलिए किया ताकि ब्रॉक लेसनर को वो लगातार ला पाए, बट हां, जो भी हो, हम सबके लिए तो ये गुड न्यूज है कि भाई ब्रॉक लेसनर लगभग हर वीक हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे आपको कौन सा ब्रॉक लेसनर ज्यादा पसंद है, फुल टाइमर या फिर पार्ट टाइमर, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। और अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है सेथ रॉलिंस के WWE चैंपियन बनने से। देन जैसा कि आप सबको पता है, सेथ रॉलिंस ने पहले WWE चैंपियनशिप का नंबर वन कंटेंडर मैच जीता था, और बिगी वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हमें देखने को मिलने वाला था, बट उस मैच में केविन ओवेंस ऐड हुए, उसके बाद बॉबी लेसली ऐड हुए, एंड लास्ट में ऐड हुए ब्रॉक लेसनर, एंड ब्रॉक लेसनर बन गए हमारे WWE चैंपियन। लेकिन गाइस, आप सबको बता दूं, डेव मेल्ज़र ने ये रिपोर्ट किया है कि बिगी अपनी टाइटल हारने वाले थे डे वन के पेपर व्यू में, अगर ब्रॉक लेसनर उस मैच में ऐड नहीं होते, देन वहां पर चैंपियन बनते और कोई नहीं बल्कि हमारे विजनरी सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, जो कि भाई काफी लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे एंड देखना भी चाहते थे। बट कोई नहीं, ब्रॉक लेसनर के चैंपियन बनने से भी काफी लोग खुश है, लेकिन हम सब यही होप करेंगे कि भाई सेथ रॉलिंस भी WWE चैंपियन काफी जल्द बन जाए, बिकॉज इस कैरेक्टर में तो सेथ रॉलिंस को एज अ WWE चैंपियन देखने में अलग ही मजा आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, बिगी के बाद सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनना चाहिए था या फिर ब्रॉक लेसनर ही ठीक है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात कर ली जाए अपने नेक्स्ट लास्ट थिंग के बारे में, जो कि जुड़ी है यूनिवर्सल चैंपियन हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ नीडल मोवर द गोट रोमन रेंस से। आखिर क्या कुछ होगा जब वो इस वीक के स्मैकडाउन में करेंगे अपना रिटर्न। देन मैंने आप सबको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीक का स्मैकडाउन, जो कि साल का पहला स्मैकडाउन होने वाला है, वहां पर WWE ब्रॉक लेसनर को भी एडवर्टाइज करिए एंड एडवर्टाइज करिए रोमन रेंस को भी, यानी कि वहां पर हमें ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस दोनों देखने को मिलने वाले हैं। बस WWE धोखा ना दे दे, यानी कि वो गलत एडवर्टाइज करे, बट ऐसा तो होना नहीं चाहिए, इसलिए हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक के स्मैकडाउन में रोमन एंड ब्रॉक दोनों आने वाले हैं। इससे बात की जाए कि आखिरकार हो क्या कुछ सकता है, देन गाइस पॉसिबली हमें इन्हीं तीनों थिंग में से कोई एक थिंग देखने को मिल सकती है इस वीक के स्मैकडाउन में। सबसे पहली है ब्रॉक एंड रोमन का हमें अलग अलग सेगमेंट देखने को मिले, यानी कि वो एक दूसरे के बारे में बात तो करें, बट हाँ, ये दोनों आमने सामने ना आए। ऐसा इसलिए क्योंकि WWE जो एडवर्टाइज कर रही है रोमन एंड ब्रॉक को इस वीक के स्मैकडाउन के लिए, वहां पर WWE ये बोल रही है कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ब्रॉक लेसनर, एंड सेकंड बोल रही है व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रोमन रेंस, इसलिए ऐसा नहीं दिखा रही है कि ये दोनों आमने सामने आने वाले हैं। सो हो सकता है ब्रॉक एंड रोमन दोनों अलग अलग सेगमेंट में एक दूसरे के बारे में बात करते हुए दिखे। इसके अलावा बात की जाए नंबर 2 पर मैंने क्या रखा है, देन गाइस वो कुछ और नहीं, वो हो सकता है कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच हमें एक प्रोमो में वॉर देखने को मिले, तभी वहां पर बॉबी लेसली आकर अटैक करते हुए दिखे ब्रॉक लेसनर पर। बिकॉज आप सबको पता ही होगा, इस वीक के रॉ में बॉबी लेसली बन चुके WWE चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर, एंड ब्रॉक वर्सेस बॉबी का मैच हमें देखने को मिलने वाला है रॉयल रंबल के पेपर व्यू में। सो रोमन वर्सेस ब्रॉक का प्लान तो WWE रेसलमेनिया 38 के लिए लेकर चल रही है, लेकिन उससे पहले रॉयल रंबल में हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लेसली का मैच देखने को मिलने वाला है, तो उस पर WWE ज्यादा फोकस करना चाहेगी। वहीं बात की जाए तीसरे थिंग के बारे में, जो कि हमें देखने को मिल सकती है, वो कुछ और नहीं, वो है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच एक खतरनाक ब्रॉल। आप सबको याद ही होगा, लास्ट टाइम जब ब्रॉक एंड रोमन आमने सामने आए थे, देन रोमन ने पहले तो पॉल हेमन को फाइट किया, उसके बाद ब्रॉक लेसनर जब वहां पर आए, देन ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस पर दो दो F5 लगाए, तो रोमन रेंस काफी ज्यादा गुस्से में होने वाले हो सकता है।
इस बार हमें अपर हैंड ब्रॉक लेसनर को नहीं बल्कि रोमन रेंस को मिलते हुए दिखे और वो ब्रॉक लेसनर पर अटैक कर हो सकता है उनकी WWE चैंपियनशिप भी रेस कर दे एंड ये टीज कर दे कि उनका एंड ब्रॉक का विनर टेक्स ऑल मैच होने वाला है रेसलमेनिया 38 में। इसलिए कह सकते हैं गाइस इस वीक का स्मैकडाउन हम सब बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। यहाँ पर रोमन रेंस होने वाले, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर होने वाले। अब तो ब्रॉक लेसनर बन चुके हैं WWE चैंपियन एंड पॉल हेमन ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है ब्रॉक लेसनर को। एंड जब रोमन रेंस गुस्से में होते हैं तो भाई उस शो को देखने में तो एक अलग ही मजा आता है। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से हमें कौन सा थिंग देखने को मिल सकता है इस वीक के स्मैकडाउन में। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।